थाउजेंड रुपीज के लेवल से लगभग चार सौ पांच रुपए लगभग सिक्सटी परसेंट सिक्सटी टू परसेंट ये शेयर यहाँ पर आज की डेट में डिस्काउंट पे मिलता हुआ नजर आ रहा है शेयर में क्या कमी है ओके किस वजह से यहाँ पर गिरा था उससे बातें बातें करेंगे वेल करूंगा, चानल, आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे आपको मिलती रहे यहाँ पर अगर हम आज की डेट की बात करें तो एक वीडियो ऑलरेडी अपडेट हो गई है जहाँ पर शेयर बाजार में तेजी और जितने भी सेक्टर्स से है और किस सेक्टर में यहाँ पर तेजी आ, आ, आने वाली है उससे रिलेटेड बातें करी है एज वेल एज कल यहाँ पर नेस्को से रिलेटेड बातें करी थी इस शेयर को भी देखिएगा और यहाँ पर सी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन से रिलेटेड और टेक्निकल से रिलेटेड बातें चल रही है तो इस वीडियो को जाके देखिए और हमारा एक चैनल ओपन हुआ है

और इस शेयर ने कितने रिटर्न दिए थे तो हम बात करें तो ये शेयर यहाँ पर 122 रुपीस पे चलता था। ओके, बोनस भी मिला है, है तो चीज यहाँ पर मिलती हुई नजर आई थी तो क्या शेयर बेकार है कि यहाँ पर थाउजेंड रुपीज के लेवल के बाद शेयर यहाँ पर तीन सौ चार सौ रुपये पे यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आया तो सबसे पहले इस चीज का सवाल का जवाब देगा कौन ये चार्ट चार्ट की बात करें तो देखिए जो ये इस तरीके के शेयर होते है। वो या लंबे एक रुए रहते हैं और जब एक साथ भागते है तो वही शेयर, शेयर, है। तो तो शेयर दो सौ रुपए का हो गया फिर उसके बाद एक कंस, दो हजार से लेकर दो तक एक कंसोलिडेशन उसके बाद जब भागा तो अच्छे तक खासा भागा अगेन ये शेयर अब गिरता हुआ नजर आ रहा है ओके बट इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई है अब जो इंडस्ट्री अभी के टाइम पे यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही थी अब यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज होता हुआ नजर आया अब यहाँ पर भारत की जो डेवलपिंग कंट्री uh, से डेवलप कंट्री में जाना है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आएगा एज एज वेल चाइना फैक्टर पर नजर आ रहा था ओके okay, और जो आगे चल चलकर नजर आएगा भी धीरे धीरे तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर होगा तो ऐसी कंपनीज पर अब इतने लंबे कंसोलिडेशन की तो मैं बात नहीं करूंगा बट हाँ अच्छे खासे रिटर्न शॉर्ट टर्म में तो नहीं लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे मिलते हुए नजर आएंगे तो कंपनी करती क्या है देखिए जब यहाँ पर कोविड आया था तो सबसे पहले बातें हो रही थी एपीआई की कौन कंपनी एपीआई बना रही है API क्या होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सर दर्द होता है सर दर्द में दवाई तो आप लेते हैं बट दवाई जो सर दर्द को कम करती है जो इंग्रेडिएंट्स होता उसे है उसे एपीआई कहते हैं तो इस चीज को याद रखिए एक बार इसकी वेबसाइट को विजिट करिएगा आपको सब पता चलेगा कि इनका पो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या एपीआई स्पेशलिटी केमिकल्स फार्मा इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट ये सब चीज में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं और इनकी लैब्स इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे

साइडस कैडिला जो कि हम यहाँ पर आप देखिए काफी यहाँ पर भागता हुआ नजर आया था इसके अलावा बात करें यूनिक यहाँ पर सन फार्मा टोरेंट फार्मा इसके अलावा फाइजर यहाँ पर बात करें माइक्रो लैब्स लिमिटेड मैनकाइन यहाँ पर बात करें मेड, मेडले लुपिन लेबोरेट इंटास कॉपरेन इंडोको सिप्ला एलकेम एबॉट

1400 यहाँ पर बड़ी तेजी से भागते हुए आया थे। बट अगर हम बात करें आरती इंडस्ट्री की तो इसने भी उसी हिसाब से मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नजर आया था ये शेयर भी लगभग लगभग अगर बात करें नाइन टू टेन टाइम्स होता हुआ नजर आया था तो जब नाइन टू टेन टाइम्स एक शेयर हो जाता है उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार आपके दस रुपए के सौ रुपए हो गए तो ऑब सी बात है आप उस सौ रुपये का जो प्रॉफिट है कुछ ना कुछ हिस्सा पूरा हिस्सा नहीं बात करूंगा बट कुछ ना कुछ हिस्सा तो ऑब सी बात है रखेंगे तो वो चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी मार्केट कैप की बात करें स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी में याद रखिए रिटर्न्स तो अच्छे मिलते हैं आप देख सकते हैं कि दस रुपए वाला शेयर हजार रुपए तक गया था बट बात करें हजार रुपए वाला शेयर अभी तीन सौ रुपए भी चल रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ नजर आता है बात करें स्मॉल कैप में करेंट इक्कीस परसेंट का मिलना बहुत कम होता है और वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो तो देखिए एक बेहतरीन फंडामेंटरी शेयर है इसके अलावा डेट की बात करें तो केवल फिफ्टी थ्री परसेंट का डेट है ओके प्लेजिंग कोई प्लेजिंग नहीं है पी रेशो की बात करें तो 19 का पी रेशो है और इंडस्ट्री का पीई जिस फार्मा इंडस्ट्री का पी का रेशियो की बात करें तो 21 का है तो कहीं ना कहीं यह शेयर जो इसका पी रेशो बहुत ज्यादा हो गया था वो पीई रेशो के नीचे आ गया है और दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट्स इस शेयर को अब यहां पर से अगर हम रख लेते हैं तो यहां पर अच्छे खासे रिटर्न हमें मिलते हुए नजर आ सकते हैं पीई जी रेशो की बात करें वो नाइंटी का है पॉइंट नाइन का है जो कि यहाँ पर एक से कम है जो कि एक पॉजिटिव बात है सेल्स ग्रोथ की बात करें तो फिफ्टीन

आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता है लगभग आठ हजार रुपए के आसपास बाईबैक की बात करें कंपनी बार बार, बार बाईबैक लाई है 2016 में बाईबैक आठ सात सौ पचास रुपए के हिसाब से 2018 में आठ सौ पचहत्तर दो में नौ और 2021 में हजार रुपए के हिसाब से यहाँ पर बाईबैक तो हमेशा बाईब सत्ताईस करोड़ चौबीस करोड़ पच्चीस करोड़ साठ करोड़ बाईबैक लाती रहती है इस बाईबैक का मतलब क्या है इस बाईबैक का मतलब है कि कंपनी को अपने शेयर पे ट्रस्ट है तो कंपनी वाले यहाँ पर बाईबैक जरूर लाए थे यहाँ पर देखिए शेयर केवल आठ रुपए तक सॉरी यहाँ पर निकाल देता तो हूं एक बार में जब बाईबैक आया था तो बाई बैक के केसेस में हुआ क्या था कि यहाँ पर शेयर भागा भी था तो यहाँ पर आठ सौ रुपए तक भागा था बाईबैक आया था हजार रुपए पे जब हजार रुपए पे बाईबैक आ रहा है तो मतलब यहाँ पर साठ करोड़ रुपए के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स ने कंपनी ने खरीदे है ओके बाईबैक में थाउजेंड थाउजेंड रुपीज के भाव से तो कहीं ना कहीं उन्हें भी उसी हिसाब से लॉस हो रहा होगा बट वो पुराने वो प्रमोटर्स है उन्हें अपनी कंपनी के बारे में पता है ओके तो इसलिए वो अपनी कंपनी में बने रहते हैं और जब कंपनी में बने रहते हैं तो जब शेयर यहाँ पर भागता है तो उसी तरीके से रिटर्न उन्हें मिलते हैं डिविडेंड की बात करें कंपनी यहाँ पर लगातार कंटिन्यूस 2005 से लेके अभी तक लगातार यहाँ पर डिविडेंड देती आई है एक रुपये ढाई रुपये दो रुपये जो भी डिविडेंट आया है वो डिविडेंट आता रहा है तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर सारे के सारे नजर आते हैं अब बात करें रिजल्ट की तो कंपनी की सेल्स देखेंगे तो लगातार बढ़ रही है ऐसा कोई सेक्टर टाइम नहीं है कि यहां पर बेशक से शेयर नीचे आया है ओके okay, बट अगर बात करें यहां पर सेल्स की तो कंपनी की सेल्स लगातार यहां पर देख सकते हैं हर क्वार्टर में बढ़ी है बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस जस्ट बिकॉज ऑफ अगर बात करें इन्फ्लेशन जो कि यहां पर आप देख सकते हैं कि पैंसठ परसेंट का जो मटेरियल कॉस्ट थी वो सिक्सटी नाइन परसेंट हो गई ओके okay, तो इस वजह से क्या हुआ इस वजह से ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा था ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका मार्जिन यहाँ पर घटता हुआ नजर आ गया तो इसी वजह से जो मार्जिन यहाँ पर इक्कीस और सत्रह के आसपास चौबीस के आसपास चल रहा था और शेयर यहाँ पर पीक था तो वही मार्जिन गिरता गया यह शेयर भी गिरता हुआ नजर आया और जैसे, जैसे तीन तो चार क्वार्टर में यहाँ पर पिछले दो बार से आता हुआ दिखाई दे रहा है और ईपीएस का अच्छा खासा है तो इसका कंपनी बेकार नहीं है कंपनी अच्छी है सेल्स की बात करें कंपनी चार करोड़ से बाईसो करोड़ तक गई है तो कुछ ना कुछ बात होगी यहाँ पर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन

की बॉरिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है पांच करोड़ के आसपास की वर्किंग प्रोग्रेस में साठ करोड़ अट्ठाईस करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैश की बात करें तो कंपनी का दो करोड़ रुपए का कैश भी यहाँ पर नजर आता है प्रोमोटर्स के पास शेयर शेयर बने हुए थोड़े वो शेयर पर इन्होंने के बाइंग कर करनी शुरू कर दी है पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास थर्टी फाइव परसेंट के शेयर है और उसमें भी देखेंगे पांच छह परसेंट के शेयर बड़े बड़े लोगों के पास है थर्टी परसेंट के शेयर आपको दूसरे लोगों के पास नजर आते हैं अब बात करते हैं चार्ट की तो चार्ट जैसे कि आपके सामने है यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है फॉलिंग वेज और जब भी फॉलिंग वेज बनता है तो याद रखिए शेयर में एक जंप दिखाई देती है जो कि इसे ऊपर की तरफ ले जाती हुई दिखाई देगी बट कुछ चीजें हमें और देखनी होगी तो वो कैसे देखनी है वो यहाँ पर देखेंगे तो यहां पर देखिए सपोर्ट यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है के आसपास शेयर अगर गिरा भी तो यहां पर आ, सपोर्ट है ओके और जितना गिर चुका है तो मुझे नहीं लगता और ज्यादा नीचे गिरेगा और जब तक इस सपोर्ट को इसने होल्ड कर रखा है तो शेयर काफी यहाँ पर अच्छा नजर आता है और शेयर में अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ओके ये शेयर ऑलरेडी जैसे की बात कर चुका हूँ सिक्सटी तक गिर चुका है और यहाँ पर अगर हम देखे यहाँ पर

टॉप पूरा किया अब यहां पर राउंडिंग बॉटम पूरा होता हुआ नजर आएगा तो यहां पर दोबारा एक के बाद एक हायर यहाँ पर हायर हाइस बनते हुए नजर आएंगे एक हाई यहाँ बनेगा फिर हाई यहाँ बनेगा फिर हाई बनेगा तो अभी लोअर हाइस बन रहे थे अब हायर हाइस बनेंगे तो जब हायर हाइस बनेंगे शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा बट ये शेयर एक दो दिन के लिए नहीं है ये शेयर तीन चार दिन के लिए नहीं है जो इसके रिजल्ट बता रहे हैं यहाँ पर देखिए तेरह परसेंट के आसपास का यहाँ पर मार्जिन है और जून की बात करें पंद्रह और चौदह परसेंट के आसपास का है तो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन पर इफेक्ट आ सकता है बट आने वाले कुछ टाइम में अगर मैं बात करूं तीन से छह महीने के बाद ओके ये शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ सकता है बट शेयर कब भाग जाएगा किसी को नहीं पता तो इसलिए अभी पोर्टफोलियो में रखना एक फायदेमंद साबित होगा और अगर इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्ले करेंगे तो याद रखिए ये शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो इसे थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करके लॉन्ग टर्म के अगर किसी का विजन है वो उस हिसाब से देखेंगे तो देखिए सैंतीस सौ चार हज़ार परसेंट के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नज़र आया है बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करना है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस